नमस्ते। तो अब तक हमने वर्ण संधि सीखी है और उन वर्णों में भी जब स्वर आपस में सन्निकर्ष होता है तब उनमें होने वाले परिवर्तन जिनको संधि कहा, अब तक हमने वही सीखा है कि स्वरों में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। अब जब स्वर और व्यंजन या दो व्यंजन आपस में मिलते हैं तब उनमें किस प्रकार की संधि होती है, आज की चर्चा हमारी इसी विषय पर रहेगी। तो हल का अभिप्राय है सभी व्यंजन, जैसे हमने प्रत्याहार सूत्र में देखे थे कि ह से लेकर के ल तक जो सभी के सभी व्यंजन हैं। एक बार उन प्रत्याहार सूत्रों पर दृष्टिपात करेंगे और मेरे साथ साथ उच्चारण करेंगे। अ ई उण रील रिक ए ओंग ऐ औच ह य वरट लण य म गण नम झभय घड़ धश जब गड़ दश ख फ छ ठ थ च ट तव कपय श श सर हल। इन प्रत्याहार सूत्रों में देखिए, हल हमें एक प्रत्याहार बनाना है, एब्रीविएशन जो ह से शुरू होगी और ल तक के हम वर्णों को गिनेंगे। तो ह कहाँ है, जहाँ वह पूर्ण रूप से आता हो। तो सबसे पहले पांचवें सूत्र का प्रथम वर्ण देखिए, वह है ह। यहाँ से लेकर जहाँ अंत में ल हलंत के साथ आया होगा वहीं तक के ही वर्णों को गिनेंगे, जो कि चौदहवें सूत्र का अंतिम ल है। अब ह से लेकर ल तक के वर्णों में भी गिनते हुए बीच में जो हलंत वाले वर्ण हैं उनको छोड़ेंगे। जैसे पांचवें से शुरू कर रहे हैं ह य व र, इसमें इसके बाद ट है, र के बाद ट, ट हलंत है तो इसकी काउंटिंग नहीं करेंगे। ऐसे ही यहाँ पांचवें के ह से लेकर चौदहवें के ल तक गिनते हुए जिन जिन के पीछे हलंत की तिरछी रेखा है उनको छोड़ेंगे और सभी वर्ण गिनेंगे, वो सभी के सभी हल कहलाते हैं। वो हैं ह य व र ल य म ग ण न झ भ घ ड ध ज ब ग ड द ख फ छ ठ थ च ट त क प श श स और ह। तो यहाँ ह से लेकर ह तक के जो हमने वर्ण गिने हैं उनमें सभी के सभी व्यंजन आते हैं। इसलिए आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वह है व्यंजन संधि, और संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से इन्हीं व्यंजनों को हम क्या कहेंगे, हल। जब हल आपस में नज़दीक आते हैं, इसी नज़दीक समीपता का एक दूसरा पारिभाषिक शब्द व्याकरण में आपने सीखा वह था संहिता। संहिता क्या था, परह सन्निकर्षः संहिता। परह परस्पर जब सन्निकर्ष निकट आते हैं वर्ण तो वो संहिता कहलाती है। तो जब हल नज़दीक आते हैं, समीप आते हैं, उनमें संहिता होती है तो लगभग छह प्रकार के मुख्य रूप से उनमें परिवर्तन होते हैं। उनमें से प्रथम है श्चुत्व। श्चुत्व इसमें श तालव्य है शुरू में, फिर है चू, तो शकार और चू को लेकर के। और चू क्या है, सबसे प्रथम क्लास में ही आपने देखा था कि चू का मतलब होगा चवर्ग, और चवर्ग वर्ग मतलब च की पूरी परिवार, पूरी फैमिली। कौन है उसके परिवार में, च छ ज झ य, ये पांचों के पांचों चवर्ग कहलाएंगे। चवर्ग को भी शॉर्ट फॉर्म में चू कहा जाएगा। तो इसमें क्या होगा, श्चुत्व संधि में सूत्र है स्तोह श्चुना श्चुह। कि स्तोह यहाँ से सकार और तू तवर्ग, जब सकार और तवर्ग त की पूरी फैमिली, उसमें कौन कौन है, त थ द ध न, जब ये वर्ण श तालव्य वाले श और चवर्ग के संपर्क में आते हैं तो तभी जो स और तवर्ग है वो भी श और चवर्ग में परिवर्तित हो जाएगा। अर्थात स परिवर्तित होगा श में, त च में, थ छ में, द ज में, ध झ में और न य में। तो इधर तवर्ग किस में परिवर्तित होगा, चवर्ग में। कब होगा, जब उसका संपर्क चवर्ग के साथ है। जैसे हम सच्चिदानंद ऐसा शब्द सुनते हैं, सच्चित, तो वहाँ पर सत प्लस
चित, ये दो शब्द हैं। सत कहते हैं सत्तावान, अच्छा, इन सब के लिए सद, जैसे सज्जन, ये शब्द भी सत और जन से मिलकर के बना हुआ होता है। तो इनमें जब त और च, इनमें सन्निकर्ष हुआ, संहिता हुआ, तो क्या परिवर्तन होगा? जो तवर्ग है उसको चवर्ग में चेंज हो जाएगा। तो सत का त भी च में ही परिवर्तित हो गया, क्योंकि त अपनी फैमिली का, अपने वर्ग का प्रथम वर्ण था। तो परिवर्तित जब ये दूसरे में होगा तो उसके भी पहले वाले को ही स्वीकार करेगा, या ये कहिए जो उसके राइट साइड में है उसी में ही वह परिवर्तित होगा। दूसरा, हमने अभी सूत्र में देखा था कि सकार शकार में चेंज होगा। स जब भी श के साथ आया या चवर्ग के साथ उसका संपर्क होगा तो स तुरंत श में चेंज होता है। जैसे रामस चिनोति, ये दो शब्द आप संस्कृत में अलग अलग लिखा हुआ देखेंगे, पर फिर श्लोक में इनके बीच में हमेशा संधि हो जाती है। तो वहाँ हम देखते हैं रामस चिनोति, स जब चवर्ग के साथ में आया तो वह तुरंत ही श में चेंज हो जाता है। तो शब्द क्या बन गया? रामस चिनोति। एक इसमें देखिए उज्ज्वल, उसका भविष्य बड़ा उज्ज्वल है, आज बड़ा उजाला, इसी उज्ज्वल से उजाला शब्द बन जाता है। तो उज्ज्वल क्या है? उत प्लस ज्वल, ज्वल कहते जलने को, जलन, जिसका प्रकाश, जलन, उत अर्थात ऊंचा है, उत्कर्ष है। तो ये शुरू में किन्हीं किन्हीं शब्दों के प्रारंभ में जो हमें अलग से दिखता है उसको उपसर्ग कहते हैं। तो ये उत उपसर्ग जब इसमें ज्वल के साथ लगती है और इन दोनों के बीच में जब संहिता हुई तो वो शब्द हमारा उज्ज्वल द ज में परिवर्तित हो जाता है। इसी परिवर्तन का ही नाम है श्चुत्व संधि। ऐसे ही जगत जननी भारत, जगत जननी माँ, ऐसा जब कहा, जगत को उत्पन्न करने वाली वायु को कहें, अगर हम जगत को उत्पन्न करने वाली पृथ्वी है, जगत जननी, संपूर्ण जगत को उत्पन्न करने वाली, तो जगत जननी, जगत जननी, ये हम बोल ही नहीं सकते। तो ये संधियाँ स्वाभाविक हैं। भाषा में बोलते बोलते व्यक्ति लाघव चाहता है, सरलता चाहता है। जहाँ मुश्किल मुश्किल दो वर्ण इकट्ठे एक साथ आते हैं वहाँ तुरंत एक में परिवर्तन हो ही जाता है। तो जगत जननी, आप बोलकर स्वयं देखिए, जगत जननी ऐसा करके बोलेंगे तो धीरे धीरे प्रवाह में ये तो ऑटोमेटिकली हमें ज में ही सुनता हुआ दिखाई देता है। तो इन्हीं परिवर्तनों को जो ऐसे समाज में बोलते हुए भाषा में हो रहे थे, पाणिनि ने केवल उनको सूत्र में बांधा है, उनको एक सिस्टमेटिक अरेंज किया है। यही उस भाषा की वैज्ञानिकता है कि उसमें ऐसे नियम बनाए जा सकते, उनके परिवर्तनों का एक आधार है। तो जगत जननी, ये देखा जगत शब्द है, अकेला आपने देखा होगा इस संसार के लिए हम जगत शब्द कहा जाता है, तो हमेशा हलंत रहता है, उसके बाद जब जननी आया तो जगत जननी, ये परिवर्तन हुआ। अब एक यहाँ उदाहरण हम देखते हैं, हम नमस्कार शब्द बोलते हैं, नमस्ते के लिए नमस्कार, पर नमस्कार ही नहीं करते, हम नमस्कार कर देते हैं स को श, तो क्या वह ठीक है? अभी रूल हमने देखा था, जब स शकार या चवर्ग के संपर्क में आएगा तभी वह श में चेंज होगा। तो नमस्कार जब शब्द हम बोल रहे हैं तो क्या इस नमस्कार का स कभी भी चवर्ग के संपर्क में आया या श है इसमें? अगर नहीं है तो स को श में परिवर्तन नहीं करना चाहिए। ये कभी कभी हम जो अपने असामर्थ्य के कारण, जिनको बोलना नहीं आता उन्होंने ऐसा बोला और वहीं को ऐसे का ही ऐसे फॉलो कर लेते हैं, तब अशुद्धता आ जाती है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, नमस्कार शुद्ध है ना कि नमस्कार, इस स को श में परिवर्तित होने का कोई आधार नहीं है। अब अगली संधि है श्रुत्व। जैसे वहाँ पर स और तवर्ग शकार और चवर्ग में परिवर्तित हो रहे थे तो हमने नाम रखा था श्चुत्व, तो इसमें अपने आप समझना चाहिए क्या होगा। वही सकार और तवर्ग जब शकार और टवर्ग में अर्थात मूर्धन्य बन जाएंगे तब उस संधि को हम कहेंगे श्चुत्व संधि,
और ये परिवर्तन कब होगा? ऐसे ही नहीं कभी भी कोई भी स उठाया और श में चेंज कर दिया, ऐसे भी नहीं कि कोई भी तवर्ग दिखा, मन किया चवर्ग में चेंज किया, मन किया टवर्ग में चेंज किया, नहीं। कब होगा? जब उनका संपर्क अपने से मूर्धन्य वालों के साथ हुआ तो ये सकार और तवर्ग मूर्धन्य में परिवर्तित होंगे, और जब इस सकार और तवर्ग का तालव्य के साथ संपर्क होगा तब ये तालव्य में चेंज होंगे। तो जैसे ष्टुनाष्टुः, ये छोटा सा सूत्र पाणिनि ने बनाया, उन्होंने क्या देखा कि जब भी कभी स श के नज़दीक आता है तो ये स भी श में चेंज हो जाता है, क्योंकि ट्विस्ट है, टंग ट्विस्ट। स बोलें जो कि जिह्वा दांत के पीछे लगा के बोलनी होगी, फिर तुरंत हमें शकार बोलना पड़े, तो स जीभ वहाँ, फिर श मूर्धा पर लेकर के जाएंगे। तो इसमें इस लाघव, इस प्रयत्न से व्यक्ति बचना चाहता है तो वहाँ पर ये स्वाभाविक परिवर्तन हो जाते हैं। तो कैसे हैं? जैसे आप सुनते होंगे तत् टीका, उसकी टीका, ये कहा तत् टीका। तत् त के बाद ट बोलने में, वही दंत से मूर्धा तक जाने में जो प्रयत्न लग रहा है उससे बचने के लिए, उसमें सरलता के लिए, उसमें मृदुता के लिए व्यक्ति त को भी हम ट में परिवर्तित करते हैं, तो तत् टीका ऐसे बोलते हैं। ऐसे जैसे उड्डयन, ये बोलते हैं उड्डयन, जो हवाई जहाज वगैरह उनको उड्डयन बोलते कि उड़ना, उड़ान जिससे बना है, उसी उत् प्लस डयन की ऊंची जो उज्जाना है उसको उड्डयन कहा। तो उत् था जैसे कि उत् प्लस ज्वल था, उज्ज्वल जहाँ बना, उसी उत् प्लस डयन के साथ जब त ड के साथ आया, ड क्योंकि हमारा टवर्ग में था तो ये त भी टवर्ग में चेंज हो जाएगा। और टवर्ग में कौन सा चेंज होगा? जो इसके फ्रंट में है, राइट साइड जो लिखा हुआ है उसी में वह चेंज होगा। हम कृष्ण शब्द बहुत सुनते हैं, तो कृष्ण वहाँ पर भी क्या है, कृष ये एक धातु है, उसके साथ में न जब आता है तो शकार के कारण न हमेशा न में चेंज होगा। कभी भी जहाँ कहीं भी किसी भी शब्द में श के कारण न हमेशा ण में परिवर्तित होता है, ऐसे ही र के कारण भी न हमेशा ण में परिवर्तित होता है। र के कारण न ण में, श के कारण भी न ण में। जैसे हम रेणु शब्द बहुत सुनते हैं, किसी का नाम रेणु है, रेणु का है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, रेणु है कि रेणु है, न लिखें कि न लिखें, कौन सा शुद्ध है कौन सा अशुद्ध है। तो ध्यान रखिए, अगर एक शब्द में र आ जाता है और उसी शब्द में यदि न भी है तो वहाँ पर वो न ही लिखा जाएगा, तो रेणु ण होगा। ऐसे ही श है यदि शब्द में, वहाँ पर भी अगर हमें संदेह होता है कि ये न है कि ण है, तो श के कारण याद रखिएगा कि वह ण में परिवर्तित होगा, तो कृष्ण। और ये परिवर्तन जब पाणिनि के अष्टाध्याय में देखेंगे तो इस प्रक्रिया को, इस पूरी प्रोसेस को उन्होंने एक नाम दिया, और वह क्या है, श्रुत्व। श्रुत्व में चेंज हो रहा है इसलिए उसको श्रुत्व संधि कहा। ऐसे ही रामस टीकते, ये शब्द है, मान लीजिए हमें यह इधर वाला मिलता रामस टीकते, अब पता नहीं चल रहा जी क्या है ये, तो जहाँ पर श और ट साथ में है तो समझ जाइए कि इनमें से एक स है, अर्थात जब दंत्य स मूर्धन्य वर्ण के साथ आता है तो उस समय उसमें क्या है, वह मूर्धन्य में ही परिवर्तित हो जाता है। अब आगे हम देखेंगे जष्त्व संधि। अब जष्त्व क्या है? जष्ट होना, जब वर्णों में परिवर्तन हो रहा है तो उनमें जब वो जश में चेंज हो जाते हैं, अब जश क्या है, तो एक बार फिर से वही प्रत्याहार सूत्र जिनको याद करने मात्र से हमें ये संपूर्ण आगे की प्रक्रियाएं बड़ी आसान होंगी, वो मैं इसलिए कहती हूँ बार बार, एक बार उनको स्मरण कीजिए, स्मरण करने से बुद्धि की भी तीव्रता बढ़ती है। तो ये प्रत्याहार सूत्र, इनको एक बार मैं यहाँ फिर से दोहरवाती हूँ, जिससे हमें उच्चारण और स्मरण में बार बार जब उसको सुनते हैं तो वह स्मरण हो जाता है। तो क्या है यहाँ, वही एक बार फटाफट दोहराएंगे, अ ए उन रील रिक ए ओंग आई आउच हाय वरट लर्न
यम गण नम झभय घड़ धश जब गड़ दश ख फ छठ थ चट तव कपय श श सर हल। अब इनमें से आपको जश ढूंढना है, तो फटाफट देखेंगे जश में ज देखिए किसको पहले मिलेगा, तो ज हमें दिखाई दे रहा है दसवें सूत्र का पहला, तो जश और श अंत में, श वो भी तालव्य श, तो वह हलंत सहित श अंत में कहाँ है, तो उसी दसवें का जो अंतिम है वो श है, तो ज से लेकर के श तक के वर्ण गिनेंगे और हलंतों को छोड़ देंगे काउंटिंग में, तो कौन कौन से वर्ण आए, ज ब ग ड द, ये पांच वर्ण जश कहलाएंगे। तो कुछ व्यंजन इन जश में परिवर्तित होंगे, इसलिए इस परिवर्तन की प्रक्रिया को संधि और उस प्रक्रिया का एक स्पेसिफिक नाम दिया और वह है जश संधि। तो जैसे कौन जश में चेंज होंगे, ऐसे ही नहीं कि बैठे बिठाए कोई भी चेंज हो जाएगा, कौन कहा झल, अब वो भी झल क्या, हम बोलते हैं कि बड़ा झल्ला है, वो झल्ला नहीं, झल झल वही सेम, दिस इज अ प्रत्याहार एब्रीवेशन फ्रॉम दीज फ्रॉम 14 प्रत्याहार फॉर्मूलाज, वो क्या है झल, झ से शुरू करेंगे, अब झ पूरा झ अंत में झ है वहाँ से स्टार्ट काउंट नहीं, कहाँ से, जहाँ झ पूर्ण लिखा हुआ है वो हमें दिखाई दे रहा है आठवें सूत्र का प्रथम, तो झ से लेकर के ल, अब ल अंतिम देखेंगे आगे गिनना है ऊपर की ओर नहीं गिनेंगे, तो ल अंत में कहाँ है देखें, वो मिला हमें चौदहवें का अंतिम, तो झ से लेकर ल तक के जितने भी वर्ण हमारे लेफ्ट हैंड पर मिलेंगे और राइट हैंड पर या अंत में हो या उधर कोई स्वर होगा तब ये झल जश में चेंज हो जाएगा। जैसे हम वागीश नाम बहुत सुना होगा, अब कोई पूछे जी वागीश शब्द का अर्थ क्या है, अब हमें डिक्शनरी देखेंगे या पता नहीं चलता, क्यों, क्योंकि इसमें जो दो शब्द हैं उनको कभी हमने विचारा ही नहीं, वही 20% संस्कृत हमारी यहाँ कम है वही यहाँ सीख रहे हैं, तो वह है वाक प्लस ईश, वाणी का जो ईश कहते हैं स्वामी को, जैसे ईश्वर वहाँ ईश आता है, तो ईश का अर्थ क्या है, ईश जो स्वामी है, तो वाणी के स्वामी को वागीश कहा गया, तो वाक जब क ई के संपर्क में आता है तो वो ग में चेंज होगा, आप स्वयं बोलकर देखिए वाकीश वाकीश नहीं बोल सकते, वागीश इसमें एक स्वाभाविकता है और सहजता भी है मृदुता भी है, ऐसी जगदीश ये भी क्या है, जगत शब्द अकेला है जो हम आपने बहुत बार सुना होगा, ईश के साथ जब वो आया तो उसमें क्या है त द में हुआ, पिछले वाले में जगत में कहाँ चेंज हुआ था, जगत जननी, जब ज था तो त ज में चेंज हो गया, अब त के बाद स्वर आया है तो ये जश में चेंज हो गया तो त द में गया, ऐसे ही दिगंबर, आप दिगंबर जैन बोलते हैं, दिक अंबर, दिक मतलब दिशाएं, अंबर वैसे तो आसमान को भी कहते हैं पर वस्त्र को भी, तो दिक है जिसके वस्त्र जिसका आवरण वो दिगंबर, तो दिगंबर दिक अंबर दिक अंबर दिक अंबर ऐसा बोलना असहज है, तो इनमें स्वाभाविक रूप से परिवर्तन होगा, क जैसे ही अ के साथ आया परिवर्तन और वो क्या क ग में चेंज हुआ, तो ये हुआ दिगंबर। ऐसे ही कहा जाता है दिग्गज, वो बड़ा दिग्गज है कि जिसकी दिशाओं में जिसकी गूंज है, तो दिक और गज, तो वहाँ पर भी क ग में चेंज हो जाता है, ठीक है। अब ये हम एक बार पहले भी आ चुका है, दोबारा इसकी आवृत्ति क्या है कि जब पद के अंत में, पद मतलब कि शब्द, शब्द के अंत में जब म है हलंत अकेला म बिना किसी स्वर के, तो वो म नीचे लिखा जाए कि ऊपर, तो कहा मो अनुस्वार है कि म अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता, व्हाट इज अनुस्वार, अनुस्वार इज अ डॉट दैट वी पुट आफ्टर एनी वर्ड, फॉर एग्जाम्पल जैसे सत्यम वद हरिम वंदे ये लिखा हुआ है, हरिम रिम के पीछे जो बिंदी है वो अनुस्वार, तो कब म अनुस्वार के रूप में और कब म लिख करके हलंत होगा, तो कहा जब इसके बाद में कोई भी हल है, एंड व्हाट इज हल व्यंजन, तो म के बाद जब नेक्स्ट व्यंजन है तो म अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है, जैसे अगर
हरिम वंदे ऐसे दो शब्द हैं, तो इसका शुद्ध मानक रूप लिखने का होगा अनुस्वार हरिम के ऊपर और वंदे। ऐसे सत्यम वद, तो सत्यम म नीचे लिखा आगे वद लिखा तो वह गलत है एक प्रकार से, क्योंकि वद में व हलंत है, इसलिए सत्यम का म अनुस्वार में परिवर्तित होगा। और अगर ऐसे ही उसके बाद में स्वर आता है तब क्या होगा, या तो संधि करके लिखिए जैसे बालकम अपि, ये दो शब्द थे, या तो ऐसे ही लिखा रहेगा नहीं तो बालकम अपि मिला करके म में अ की मात्रा लगा करके पूर्ण रूप से उस मकार को लिखा जाएगा। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें हम कुछ कुछ गलतियाँ करते हैं। क्या है, पर सवर्ण संधि है कि जब लेफ्ट साइड हमारा किसी भी वर्ग का वर्ण है, व्यंजन है कोई भी, और इधर राइट साइड नासिक ध्वनि है, अर्थात वर्ग के अंतिम ग हो न हो म हो ण हो इनमें से कोई भी हो, तो ये लेफ्ट साइड वाला व्यंजन भी अपने पांचवें में चेंज हो जाता, अपने पांचवें में। जैसे वाक प्लस मय क और म, म नेजल साउंड है, नासिक है, तो क भी नेजल में चेंज होगा, पर जी कौन से नेजल में, वो म में नहीं जाएगा, क अपनी फैमिली के पांचवें नेजल साउंड में, नासिक के ध्वनि में। और वह कौन सी है, क की, देखिए क ख ग घ ङ, आप अड़ बोलते हैं जिसे, अड़ नहीं है वो ङ, तो क ख ग घ ङ, क हलंत है इसलिए ङ भी हलंत में चेंज होगा। हलंत लिखना अकेला आसान नहीं, इसलिए म उसको सहारा देने के लिए आ जाता है, वाङ्मय, आप संस्कृत वाङ्मय, हिंदी वाङ्मय ऐसे बोलते हैं, तो वहाँ पर क्या, वाक्मय वाणीमय ये दो शब्द थे। तो क हमेशा जब आगे नेजल साउंड है कोई भी आएगी, मान लीजिए वाक नय है, तो वहाँ भी वांग नय ये बनेगा, वांगमय ऐसे। हाँ, आप वैसे बोल के देखिए, वाकमय वाग्मय वाग्मय वाग्मय, क्योंकि नेजल साउंड हम गायब नहीं कर सकते, तो वह अपने से पूर्व वाले को भी नासिक ध्वनि में परिवर्तित कर देती है। अगला, जब अब लेफ्ट साइड हमारे पास नेजल साउंड है, वहाँ थी राइट साइड जैसे वाक प्लस मय, अब इधर है जैसे कि गम प्लस गा, हम गंगा बोलते हैं, आप देखिए हम गंगा गंगा, अपने आप जो ग जिस फैमिली का है, जिस वर्ग का है, उसका अंतिम बोल रहे हैं गंगा। ऐसे प पंग प्लस क है, पंख कीचड़ जिसको बोला, पंकज ये शब्द बोला, वहाँ हम अनुस्वार ही बोल रहे हैं, और वो भी कौन सा, कवर्ग का पांचवें वाली ध्वनि है पंकज। इसलिए यह रूल क्या है कि लेफ्ट साइड जब हमारे पास अनुस्वार है, कोई नेजल साउंड है लेफ्ट साइड, तो उससे आगे जो व्यंजन है उस व्यंजन के पांचवें में ये वाला चेंज हो जाएगा। तो जैसे तीन उदाहरण है, पंग प्लस क है, क के कारण प के ऊपर वाला अनुस्वार क के अंतिम ङ में चेंज हुआ। ऐसे पंच, पांच बोलते हैं हम, तो ये जो ये डॉट है वो हम कई बार पांच हिंदी में ऊपर ही लगा देते हैं, पर शुद्ध रूप क्या है कि ये अनुस्वार आगे जो वर्ण है उसके पांचवें में चेंज कीजिए। आगे था च, च का पांचवा है य, तो पंच ऐसे लिखा जाता है। हम बोल भी पंच रहे हैं, किसी को पंच मारना, वही पंच न नहीं है, कैसा, जैसे कि अगले वाले उदाहरण पंत में दिया हुआ, उसको हम पंत ही बोलते हैं, क्यों, क्योंकि इस नेजल साउंड के बाद त था, तो त की जो लास्ट वर्ण है, जो पांच नासिक के है तवर्ग का, वो न है, इसलिए ये अनुस्वार न में ही चेंज हुआ, तो वहाँ क्या बनता है, पंत। ऐसे ही ट का अंतिम क्या है, ण, तो जब इससे पहले नेजल साउंड अनुस्वार होगा तो वो भी टवर्ग के अंतिम ण में चेंज हो गया। जैसे कंटक, कांटे के लिए बोलते हैं कांटा, अब बोलते हिंदी में हम अनुस्वार ऊपर लगाएंगे, संस्कृत में लिखते हुए उसको ण के रूप में लिखा जाता है। अब उदाहरण है जैसे अंक, दिनांक, ये सब चीज़ें लिखते हैं, तो कौन सा शुद्ध होगा, ऊपर अनुस्वार वाला या ग लिख करके नीचे क, तो ऑब्वियसली क ऑप्शन इसका ठीक है। व्यंजन बार बार बोल रहे हैं, तो व्य के ऊपर जो अनुस्वार, उसके आगे ज है, तो ज के कारण ये अनुस्वार उसके पांचवें य में चेंज होगा, व्यंजन। पर अब अगर जैसे कंस शब्द है, इसका क्या करें, न के बाद स है, स किसी भी
परिवार में नहीं आता, वर्ग का नहीं है, न कवर्ग का, न चवर्ग का, न टवर्ग, न तवर्ग, न पवर्ग, अलग से हैं ये गिने हुए थे। इनको क्या कहा गया था? ऊष्म वर्ण। तो स ऊष्म में आया, ये किसी परिवार का नहीं है, इसलिए वो यूं ही रहेगा, या तो अनुस्वार के रूप में छोड़ेंगे या न लिख करके कंस ऐसा लिखा जाएगा। तो ये कुछ नियम हल संधि के थे। अब कुछ देखते हैं हम सामान्य रूप से विसर्ग संधि। विसर्ग क्या थे? जिद्दो डॉट जो हमें किसी संस्कृत में लिखे हुए के पीछे दिखाई देते हैं उनको विसर्ग कहा गया। जब विसर्ग व्यंजन या स्वर के साथ आते हैं तो उनमें होने वाला परिवर्तन विसर्ग संधि। जैसे आपने कहा तपोवन में गए, तप शब्द है, तपस होता है मूल रूप से तपस, पर जब वो आगे आता है किसी व्यंजन के साथ उसका संपर्क हुआ तो वो बना तपोवन, मनोकामना, आपकी मनोकामना पूरी हो। तो मन शब्द हम हिंदी में बोलते, पर मूल ओरिजिनल शब्द मन का पता है क्या है? मनस। तो मनस कामना, मनोकामना, ये उसके लिए तब संधि हुई तो विसर्ग ओ में परिवर्तित हो गया। ऐसे ही प्रातःकाल ये बोलते हैं सब, तो लिखते हुए प्रातः के बाद विसर्ग हैं, वो र था पहले, फिर वो विसर्ग में चेंज हो जाता है। हम दुख सुख ये बड़ा बोलते हैं। एक बार एक बच्चे से पूछा कि दुख में दू के बाद दो डॉट कैसी हैं, तो वो कहता है कि जी हम दुख में रोते हैं ना, तो ये वो आंसू हैं। तो क्या है ये दुख में दो विसर्ग सी दिखाई देती? यहाँ पे है दुर उपसर्ग और ख। ख कहते हैं इंद्रियों को, कि जो इंद्रियों के लिए विपरीत है, दुस्सह्य है, उसके लिए कहने के लिए हम शब्द है दुख। तो दुख शब्द में जो दो डॉट दिखाई दे रही है वो वास्तव में क्या है? दुर उपसर्ग का जो र था वो ख के कारण विसर्ग में चेंज हो जाता है, इसलिए हमें दुख शब्द जब लिखते हैं तो दू के बाद दो विसर्ग दिखती हैं। सुख में नहीं है, क्योंकि सुख में उपसर्ग है सु। सु का अर्थ होता है अच्छा और ख का अर्थ होता है वही इंद्रियां। जो इंद्रियों के लिए अच्छा लगता, हमें अच्छा लग रहा है, उस चीज़ को हम सुख कहते हैं। तो यहाँ ये विसर्ग संधि है। ऐसे ही विसर्ग संधि, अभी जैसे कहा विसर्ग से पहले अ और उसके बाद भी अ, जैसे मनह प्लस अनुकूल लिखा हुआ है, तो विसर्ग से पहले न में अ है, आगे अनुकूल का अ, इसलिए ये विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाएगा। तो क्या बना? मनोअनुकूल। ये बात मेरी मन के अनुकूल नहीं है, हम के बीच में लगाया, इस के को हटा करके संधि करेंगे तो कहेंगे मनोअनुकूल नहीं है। कहेंगे आपका मनोबल बड़ा कमजोर है, तो मनो क्या है? मन शब्द से मनो नहीं बना, बल्कि मनस, ये है संस्कृत का मूल। इसके स को ओ में चेंज हो जाता है, किस कारण? वही विसर्ग संधि के नियम के कारण, इसलिए हम बोलते मनोबल। आपकी अधोगति निश्चित है, ऐसा कोई कहे, अधोगति क्या? अधगति, नीचे की ओर जाना, वहाँ पर भी अधस ये शब्द था मूल, ये स आगे ग के कारण ओ में परिवर्तित हो गया, तो ये शब्द बन जाता है अधोगति। ऐसे ही हम कहते हैं निराशा, बड़ी निराशा छाई हुई, तो वहाँ क्या रूल है? विसर्ग से पहले अ को छोड़कर के कोई और स्वर है और उधर आगे कुछ दूसरा, तो विसर्ग र में चेंज हो जाता है। जैसे निराकार, वहाँ भी निर आकार, जिसका कोई आकार नहीं है, तो वहाँ क्या बन गया? निराकार। निर वही, ये भी एक उपसर्ग है, र था, र विसर्ग में चेंज हुआ और वो विसर्ग फिर से आगे कोई स्वर आया तो फिर से र में चेंज हो जाता है। जैसे निराहार, उपवास किए तो कहते हैं निर्जला, तो वहाँ निर का जो र है वो भी ज के कारण निर ही रहा और आहार जब शब्द आया तब भी वो क्या रहा? निराहार। ऐसे ही निर्धन शब्द, वहाँ पर भी क्या है? निहि प्लस धन, तो वो विसर्ग भी ध के कारण र में परिवर्तित हो गई और शब्द बन जाता है निर्धन। छोटा सा और उदाहरण, ये विसर्ग कभी कभी जब आगे च छ आता है या श चवर्ग वही, तो ये विसर्ग श में चेंज होंगे, जैसे कि निश्चल, निश्चल, निश्चल व्यवहार, छल कपट रहित जो व्यवहार, छल शब्द था और आगे था निर वही जो निराहार में था, तो छल रहित ये जब वाक्य कहना है हम कहते हैं निश्चल, तो वहाँ पर विसर्ग इस चवर के कारण श में चेंज हो जाती हैं। दुशासन, वही दुह जो कि दुख में था, वही दुख, वही दुह शासन में भी जब आगे आ जाता है तो ये विसर्ग हमारी श में चेंज होंगी, किस कारण? क्योंकि शासन में आगे तालव्य श था, उस कारण ये विसर्ग भी उसी में ही चेंज होंगे। अब एक नियम और,
हम नमहते नमस्ते हिंदी में बहुत बोलते, सबको नमस्ते, तो यहाँ पर भी क्या हुआ, वही वास्तविक मूल शब्द नमस्ते में है नमः नमस, तो ये स त के कारण स में चेंज हो गया और वहाँ पर बन जाता है नमस्ते। ऐसे ही निसंतान, जिसकी संतान नहीं, निर उपसर्ग हमेशा किसके लिए आता है, जहाँ हम किसी चीज़ का निषेध मना डिनाई कर रहे हों, तो निसंतान। तो ये विसर्ग र में चेंज हुई कब, जब आगे स्वर था, जैसे निराहार निराशा, उसी निर की विसर्गे, उसी निर के विसर्ग जब संतान का स आया, स के कारण वो स में ही रह गई, तो निसंतान। ऐसे ही अगर संतान की जगह यहाँ पे श होता तो वो विसर्ग भी श में चेंज हो जाती, जैसा उसके साथ है वैसे में ही वो परिवर्तित हो जाती है। जैसे दुस्साह, आपका दुस्साहस कैसे हुआ, तो इतना मतलब साहस करने की हिम्मत, डेयर कैसे किया, ये जब कहना है तो वही दु जो कि दुख में था, वही दुर जो कि पिछले उसमें दुशासन में था, वहाँ दुशासन में श के कारण विसर्ग श में ही चेंज हुई, यहाँ साहस का स दंत्य था तो उसी दुर की र विसर्ग किस में चेंज होंगी, स में, तो दुस्साहस ये शब्द हमारा यहाँ पर बना। तो ऐसे कंफ्यूज हमेशा रहते, जैसे निष्कलंक लिखना है या निष्कलंक लिखना है स और श में, तो ये ध्यान रखें जहाँ कहीं स दंत्य स से पहले ई है या कवर्ग आता है, क आता है, तो वहाँ पर स ऑटोमेटिक श में चेंज होगा। जैसे निष्कलंक ये शब्द था तो स से पहले देखे नी का ई है, तो इस ई के कारण ये स श में चेंज हो गया, निष्कलंक। चतुष्पाद कि चार पैरों वाला, ये बोलते ना चतुष, चतुर, चतुर शब्द है वास्तव में, तो र जो था वो विसर्ग वाला र था, वो र जो विसर्ग के कारण स में बना, स से पहले ई है तो ई के कारण वह श में बदल जाता है, तो चतुष्पाद में भी ऊ के कारण वह स श में परिवर्तित हो गया, चतुष्पद। आप ये कहते ना निष्फल कर्म कीजिए बिना फल की चिंता के, तो स भी किस में परिवर्तित हुआ, आगे पवर्ग, पवर्ग होने के कारण ई के कारण वो स श में चेंज हो गया। तो इस प्रकार आज हमने देखी कि जब सामान्य रूप से जो हम हिंदी में या अन्य भी क्षेत्रीय भाषाओं में शब्द बोलते हैं उनकी ओर ध्यान नहीं दे रहे कि कैसे कैसे उनमें परिवर्तित हो जाते हैं, वही जो 20% ध्यान की कमी, वो आज हमने ध्यान दिया हल संधि और विसर्ग संधि के माध्यम से। तो आशा है जब आपके सामने कोई संस्कृत का श्लोक होगा उनमें ये पहचान कीजिए कहाँ निश्चल शब्द आया, तो वहाँ देखिए कि ये निर और छल था, निर का अर्थ क्या है। तो ऐसे ही एक एक श्लोक में भी ध्यान देने से, बस ध्यान संज्ञान मात्र से ही हमें जो संस्कृत भूले हुए हैं वह पूर्ण रूप से आएगी। तो ये हल संधि और व्यंजन संधि जिनको कहा जाता है, ये दोहराएं, इसके लिए सबसे पहले वही मुख्य रूप से प्रत्याहार सूत्र अवश्य याद कीजिए। धन्यवाद।